पिछले एक साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इसे बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पिछले एक साल में बिटकॉइन ने लगभग 128% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जहां पिछले 5 साल में निफ्टी ने 90% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पिछले 5 साल में बिटकॉइन ने लगभग 1750% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी सोचो, अगर आप 5 साल पहले कोई 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो उसको ना खरीद कर अगर आप वो 5 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते, तो आज आप 5 लाख रुपए वाली ऐसी 17 गाड़ियां खरीद पाते, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू लगभग 85 लाख रुपीज होती। तो अगर क्रिप्टो करेंसी इतने अच्छे रिटर्न्स दे रही है, इलॉन मस्क जैसे लोग भी क्रिप्टो करेंसी को खुल के प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, ये आज मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि कहां पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर ध्यान से देखें तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों को ही आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। दोनों की ही प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है, यानी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर हम उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज कोई ना कोई बिजनेस कर रही है। तो इसमें जो शेयर्स होते हैं वो आपकी ओनरशिप को दर्शाते हैं उस कंपनी के अंदर, और इसमें जो शेयर्स हैं उनकी खुद की भी कुछ वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने देखा होगा कि किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाती है, रिजल्ट्स खराब आ गए तो प्राइस गिर भी जाती है। अब भले यहां पर प्राइस बढ़ने के पीछे का रीजन डिमांड एंड सप्लाई होता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो उस शेयर को खरीदते हैं, जिससे उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाती है। जब इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो वहां पर वो अपने शेयर्स को बेचते हैं, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस गिर जाती है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, यानी वो किसी बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, और ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। यानी जितनी ज्यादा डिमांड आएगी, लोगों को दिखाई देगा कि इस क्रिप्टो की प्राइस बढ़ रही है, वो और खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे और डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी। अगर कभी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो दिखाई देगा लोगों को कि प्राइस गिर रही है, वो भी अपने क्रिप्टो बेचना शुरू कर देंगे और ज्यादा प्राइस गिर जाएगी। तो यहां पर पूरा डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। और अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें ना, तो इसकी शुरुआत इन्वेस्टमेंट के लिए हुई नहीं थी, इसकी शुरुआत हुई थी एक करेंसी के रूप में जिसका यूज आप पूरे वर्ल्ड वाइड कर सके, जबकि स्टॉक्स का जो पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। अब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर हम रेगुलेशंस के हिसाब से देखें तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। यहां पर सेबी एक बॉडी है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड चल रहा है तो उसके बारे में वो लोगों को जानकारी देती है। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि हमारे नाम से भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, वहां पर लोग आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांगते हैं, तो अगर कोई भी आपसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट मांगे तो समझ जाएं वो एक स्कैम है। और हमारे सभी रियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अब वापस टॉपिक पे आएं तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। यहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि NSE और BSE, जहां से आप स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं, और इसके ऊपर भी सेबी का रेगुलेशन होता है। यानी यहां पर सेबी इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाने की पूरी कोशिश करती है, और अगर कभी किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो उसमें भी सेबी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। जिन कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, जैसे उन्हें हर 3 महीने में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और उन्हें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें इन्वेस्टिंग को हमने बहुत डिटेल में सिखाया है, तो आप हमारे कोर्स को नीरज जोशी ऐप पे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहां पर कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। कुछ कंट्रीज ने इसमें रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर रखा है, जैसे चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी बैन है। अब अगर कोई चीज रेगुलेटेड नहीं है ना, तो वहां पर कंपैरेटिवली फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हो जाता है तो उस पैसे को रिकवर नहीं करवाया जा सकता, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अब देखो, रेगुलेटेड ना होने का ना एक फायदा भी है, और वो ये है कि इस वजह से क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है
और डिसेंट्रलाइज्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आपकी जो प्राइवेसी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज्ड है, यहां पर जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर ही होगा। तो अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। और इवन अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो किसी को पता ना चले, तो क्रिप्टो करेंसी में तो वो किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को तो पता है ही, लेकिन जैसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी कंपनी में 1% से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपका जो नाम है वो उस कंपनी को पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म ही हो जाती है। तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए फिर तो क्रिप्टो करेंसी काफी बेटर है। लेकिन जहां सेंट्रलाइज्ड होने से आपकी प्राइवेसी चली जाती है, आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, वहीं सेंट्रलाइज्ड होने के कुछ फायदे भी हैं। जैसे जो स्टॉक मार्केट है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पर फ्रॉड्स को रोका जा सकता है, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है, मार्केट मैनिपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि वहां पर कंप्लीटली प्राइवेसी है, तो कौन फ्रॉड कर रहा है, कितने लोग एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बताया नहीं जा सकता। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा रिस्क और बढ़ जाता है। अब इसके बाद देखो, जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है ना, वो है कि क्रिप्टो करेंसी में आप जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी 24/7 चलती है, आप जब चाहें तब उसको बाय कर सकते हैं, जब चाहें तब उसको सेल कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बिल्कुल फिक्स्ड होती है, आप सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक ही ट्रेड कर सकते हैं। तो जो लोग कोई जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं जिस वजह से पूरे दिन में उनके पास टाइम नहीं होता है, वो चाहें तो शाम को आकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग फिक्स्ड है तो वहां पर वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ, क्योंकि क्रिप्टो एक करेंसी है तो उसको आप ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इवन कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रिप्टो की फॉर्म में भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं, तो आप चाहें तो क्रिप्टो देकर टेस्ला बाय कर सकते हैं। वैसे अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा तब मुझे जल्दी प्रॉफिट होगा, या फिर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तब मुझे जल्दी प्रॉफिट होगा। तो देखो, अगर सबसे पहले क्रिप्टो की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बिटकॉइन, इसने पिछले एक दिन में 2% के रिटर्न दिए हैं, पिछले एक महीने में 21% के रिटर्न दिए हैं, और ये इसके लिए बहुत ही नॉर्मल है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो एक दिन में ही पैसा डबल कर देती हैं, ट्रिपल कर देती हैं, और एक दिन में ही पैसा आधा भी कर देती हैं। इवन 2023 में एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जिसने एक साल में 5000% के रिटर्न दिए थे, और इवन उससे ज्यादा दिए थे। यानी अगर किसी ने उस क्रिप्टो में सिर्फ 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो एक साल में 50,00,000 रुपए बन गए होते। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है। देखो, एक क्रिप्टो करेंसी थी टेरा लूना, वो एक महीने के अंदर ही बिल्कुल जीरो हो गई थी। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, आपका पैसा बहुत जल्दी से बढ़ भी सकता है तो बहुत जल्दी से गिर भी सकता है, जिससे आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में कुछ भी वॉलिटिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको एक महीने में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। देखिए, पिछले एक साल में रिलायंस 27% बढ़ी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी इवन बिटकॉइन मैंने आपको दिखाया था वो एक महीने में ही 20% से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर हम डेली के हिसाब से बात करें ना, तब तो स्टॉक मार्केट में एक दिन में कोई भी कंपनी पैसा डबल नहीं कर सकती, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक सर्किट नाम की चीज होती है जिसमें अगर मान लीजिए एक दिन में कोई स्टॉक 20% बढ़ जाता है तो उस दिन के लिए उस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, यानी उससे ज्यादा वो बढ़ेगा ही नहीं। और अगर 20% गिर जाता है तो फिर वो उससे ज्यादा नहीं गिर सकता, क्योंकि उस दिन के लिए उस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। और ये 20% का जो लेवल है ये बड़े बड़े स्टॉक्स के लिए होता है, कुछ छोटी कंपनीज में ये जो सर्किट होता है ये 5% का होता है। तो एक दिन में कोई स्टॉक 5% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, 5% से ज्यादा नहीं गिर पाएगा, जिसमें जो सर्किट का लेवल होगा वो 5% होगा। तो यहां पर वॉलिटिलिटी कम होती है, जिससे आपके रिटर्न्स बनने में टाइम लगता है। लेकिन अगर वॉलिटिलिटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और क्रिप्टो करेंसी में वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है।
अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, अगर हम रिलायंस की बात करें, यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ, तो पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक की जो प्राइस है वो बहुत ही स्टेबल तरीके से बढ़ रही है। जबकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में चले जाते हैं और वहां भी मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 साल का डेटा लगाया तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर जो इसकी प्राइस थी वो लगभग 45 लाख रुपीज पहुंच गई थी। उसके बाद कुछ ही महीने में इसकी जो प्राइस थी वो 13 लाख रुपए पे आ गई थी। उसके बाद वापस से इसकी जो प्राइस है वो बढ़कर पहुंच गई है 51 लाख रुपीज के आसपास। यानी यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस यहां भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप क्रिप्टो के फेवर में है या फिर स्टॉक मार्केट के फेवर में है ये भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हमें पता है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, जबकि स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है। तो यहां पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यहां पर हमारे लिए जरूरी है कि हम सही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हों। तो अब कहां पर ज्यादा बेटर एनालिसिस किया जा सकता है, चलिए ये समझते हैं। तो देखो, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक मार्केट है, कई डेकेड से बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है, तो यहां पर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा नया है, तो जब कोई चीज पुरानी होती है तो उसके बारे में एनालिसिस करना आसान हो जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जिसको आप बचपन से जानते हो, आप उसके बिहेवियर को समझ सकते हो, लेकिन अगर कोई नया दोस्त बनता है तो उसके बिहेवियर को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ी नई है तो इसलिए यहां पर उतना बेटर एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो आप उस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। इसके साथ ही आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसका कैश फ्लो कैसा है। ये सब चीजें आप एक कंपनी के बारे में जान सकते हैं, और बाद में इन सब चीजों को एनालाइज करके आप ये भी पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि उस कंपनी की फेयर वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। यानी यहां पर आपके पास एनालिसिस का बहुत सारा स्कोप है। जबकि अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, तो फिर एनालिसिस किस चीज का करेंगे? तो हम उसके बिजनेस का एनालिसिस नहीं कर सकते, उसमें वैल्यूएशन एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि वहां कोई बिजनेस नहीं है तो फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किया जा सकता। तो बस वहां पर बचता है हम उसकी डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करें, जिसमें हम उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि हम स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है तो स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा बेटर डिसीजन ले सकते हैं कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी। अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट करना इजी भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपके पास बस अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप घर बैठे खुलवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसके बाद बस आपको अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड होता है, तो जो भी डीमैट अकाउंट आप खुलवाएंगे उसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो वो भी बहुत आसान है, वो भी आप अपने मोबाइल फोन से ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रही है, तो जो भी रिस्क होता है वो आपका होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब देता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। और वो सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इंडिया में लीगल भी है? तो देखो, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रेगुलेशन, ऐसा कोई रूल नहीं बना रखा है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी कोई रूल नहीं बना रखा है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है तो वहां तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है, और वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए एक साल में आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन साल के एंड होते होते आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल तो आपको स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कम लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही हैवीली टैक्स किया है, और वो टैक्स सबसे पहले तो 30% है, जबकि स्टॉक मार्केट में ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में 10-15% रहता है। तो पहले ही क्रिप्टो करेंसी में टैक्स बहुत ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखा है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और एक साल में मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपके 10 के 10 लाख रुपए डूब गए,
लास्ट में आपके पास 1,00,000 रुपए बचे थे, आपने सोचा इस 1,00,000 रुपए को भी इन्वेस्ट कर देता हूं। उस 1,00,000 रुपए के ऊपर मान लीजिए आपने 30,000 रुपए कमा लिए, तो ओवरऑल तो आप अभी भी 9,70,000 रुपए के लॉस में हैं। तो जब आप लॉस में हैं तो आपको टैक्स नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने प्रॉफिट को अपने लॉसेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो जो 10,00,000 रुपए तुमने डुबाए उसको तुम भूल जाओ, जो 1,00,000 रुपए के ऊपर तुमने 30,000 रुपए कमाए ना, इस 30,000 रुपए के ऊपर तुम मुझे 30% टैक्स दो। यानी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिस वजह से अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। तो अगर मैं आपको अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं तो मान लीजिए अगर आप एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो 10,00,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप कर सकते हैं कि आपने 90-95% जो अपना पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, और बचा हुआ जो 5% पैसा है उसको आपने पूरा रिस्क लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो जो पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाकर, वहां पर जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां पर आपका रिस्क तो बहुत ज्यादा है। पहले ही सोच के चलना है कि पूरा पैसा भी डूब सकता है, और जब आपको लगे कि हाँ पूरा पैसा भी डूब जाए मैं सह लूंगा, तभी आप सोचो कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट भी आपने सिर्फ किसी एक क्रिप्टो करेंसी में नहीं करनी है, आप कोशिश कीजिए कि अपने क्रिप्टो वाले पोर्टफोलियो में भी कम से कम 15-20 क्रिप्टो करेंसी रखिए, ताकि अगर मान लीजिए 2 पूरी तरह से डूब गई, 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी, कुछ आपको ठीक ठाक परफॉर्म करेंगी, तो वहां पर ओवरऑल आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन वही पैसा इन्वेस्ट करना जिसमें पूरा रिस्क ले सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, आपने बचा बचा के थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, तो उस पैसे को क्रिप्टो में डालने का मतलब है कि वो सारे पैसे डूब सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप वो रिस्क ले सकते हैं, क्या आप वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचिए। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में तो सभी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो सोच समझ कर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक 35 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ सीख सकते हैं, और वो वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।